नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के समीप खर्रा घाट में लगे मेला का दर्शन कराएंगे। मेला का पहला प्रवेश द्वार आप देख ही रहे हैं, हम यहां से अंदर जा रहे हैं। मेले में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, साइकिल, ऑटो रिक्शा, पैदल यात्री, काफ़ी लोग यहां से आ रहे हैं। देख पा रहे हैं हम कि मोटरसाइकिल का स्टैंड से ही पता चल रहा है कि कितनी भीड़ लगी हुई है। आगे हम आगे जितना जाते जाएंगे मेले में भीड़ की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। महाशिवरात्रि के एक दिवसीय मेला का आयोजन यहां पर होता है और यहां भी देख रहे हैं कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं मेले के में तो एक विशाल भंडारा, प्रसाद वितरण का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग बाग यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं या मेले की ओर जा रहे हैं। यह भंडारा शिव आराधना सेवा समिति रामगढ़ मुंगेली के द्वारा आयोजन किया गया है। चलिए हम भी यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं और फिर आगे आपको पूरी मेले का दृश्य दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं हमारी मैडम जो है प्रसाद ले ली है और हम दोनों प्रसाद का आनंद लेंगे। हम देख पा रहे हैं कि आगे कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत भी है, सुहाना भी है। आगे देख पा रहे हैं कि सामने ही जिला चिकित्सालय है अंदर और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और स्वस्थ होकर भी जाते हैं। यह काफ़ी प्रचलित हॉस्पिटल है, हमारे ज़िले के लिए गर्व की बात है। आगे हम मेले की ओर रुख करते हैं और पूरे मेले की दृश्य को आप लोगों को दिखाते चलेंगे। हमारे वीडियो में आप बने रहिए अंतिम तक, हो सकता है आप मेला आए हों तो हमारे इस वीडियो में भी दिखाई देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मानसी होंडा का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से अपने लिए गाड़ी बुकिंग करा सकते हैं। हमारे ज़िले के लिए गर्व की बात है कि मेले में भी गाड़ी बुकिंग किया जा सकता है। आगे रंग बिरंगे गुब्बारे सड़क किनारे देख पा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने गुल्लक और अनेक प्रकार की मूर्तियां हमें दिखाई दे रहा है। उखरा भी यहां से आप खरीद सकते हैं, मेले का प्रमुख प्रसाद माँ कहा जाता है उखरे को। यहां पे देख पा रहे हैं कि नारियल पानी भी बिक रहा है, उनकी भी स्टॉल लगी हुई है। मेले में सभी प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं। हम दूर से ही दिखा रहे हैं आपको कि कितनी स्टॉल लगी हुई है, हर प्रकार की दुकानें यहाँ सजी हुई है। आगे आप वीडियो में बने रहेंगे और पूरी महाशिवरात्रि की इस मेले का अपने घर बैठे आनंद ले पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं रंग बिरंगे टेडी बियर का ये दुकान लगा हुआ है, गुपचुप चाट। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक वेन में जोधपुर आइसक्रीम पार्लर का भी
इस मेले में आनंद ले पाएंगे। पूरी वीडियो जो है आपको हम में दिखाएंगे, मेले में क्या क्या दुकानें लगी हुई है, कहां कहां से लोग आए हुए हैं, आगे भीड़ और बढ़ती ही जा रही है। जितनी ही हम मेले के अंदर घुसते जा रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। अब आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, और यह हम देख पा रहे हैं ये भी मंदिर ही है जहाँ पर विराजमान है उनकी मूर्ति रखी गई है। यहाँ एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। आगे वीडियो में बने रहिए और पूरी दृश्य को हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। उसको बुला। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भोले बाबा जी हमें साक्षात नजर आ रहे हैं और वो भी मोबाइल में बात करते हुए। भोलेनाथ भी मोबाइल से बात कर रहे हैं, क्या बात है। हमारे शंकर जी हैं साक्षात नजर आते हैं और मोबाइल में भी बात करते हैं। यहाँ पे अनेक लोग सेल्फी ले रहे हैं और फोटो भी खिंचा रहे हैं। देख पा रहे हैं हमारे कुछ साथी जो है शंकर भगवान जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं फोटो खिंचा के। ऐसा भी दिन कभी आता है, अवसर मिलता है इन लोगों को भगवान के सामने भी साक्षात नजर आते हैं। देखो फोटो खिंचाने के लिए कैसे एक दूसरे से, यहाँ तक कि शंकर भगवान को पकड़ पकड़ के भी फोटो खिंचा रहे हैं। हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका भरपूर आनंद लीजिए आप। और ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, एक बिल्कुल सही तरीके से फ़ोटो आए उनके सामने उनके साथ। तो आप आगे हम वीडियो को ले चलते हैं दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं जय श्री महाकाल का भंडारा जो मुंगेली के द्वारा लगाया गया है। यहाँ भी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हम अंदर देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी बच्चे भी इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। हम अंदर देखे पूरा दृश्य देख रहे हैं, पूरे बच्चे ही हैं जो पूरा इनकी व्यवस्था कर रहे हैं प्रसाद लाने ले जाने का। काफ़ी भीड़ लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए, जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें प्रसाद मिले। अब थोड़ी से आगे चलते हैं तो यहाँ ही देख पा रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। चलिए हम भी प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हमें प्रसाद मिल पाता है कि नहीं। भीड़ के कारण तो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन ज़रूर प्रसाद लेकर रहेंगे हम। हमारा भी नंबर आएगा प्रसाद के लिए, लाइन में हम भी लगे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए। आगे वीडियो में बने रहिए।
और देखते हैं कि प्रसाद में यहाँ क्या क्या वितरण किया जा रहा है। लाइन में हम लोग लगे हुए ही हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी और सूजी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सूजी का हलवा बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं अपनी फैमिली का प्रसाद वितरण में। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ ही लगी हुई है। देखो हमारी मैडम जो है अंदर नहीं आ पाई तो बाहर ही खड़े हुई है। आगे हम आपको पूरे वीडियो मेले का दर्शन कराएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे जो है उछल कूद कर रहे हैं। बच्चों का मेले का ही दिन होता है जहाँ उनको पूरी आज़ादी मिलती है और अपना पूरा मन लगा के उन लोग मेला घूमते हैं और उनका आनंद भी लेते हैं। कि काफ़ी संख्या में बच्चे अंदर घुस गए हैं और एक दूसरे से के ऊपर कूद भी रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइडिंग एयर लगी हुई है। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से स्लाइडिंग करते हैं। यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी मस्ती में हैं। बच्चे के साथ साथ बड़े भी यहाँ मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आगे का नज़ारा और काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। आप देख पा रहे हैं दूर से ही कि झूले का मज़ा लिया जा रहा है। यदि मेले में झूला ना हो तो वो मेला नहीं होता। हर मेले में झूला होता ही है और आना भी चाहिए। मेले की शान होता है झूला, चार चांद लगा देता है मेले में झूले जो है। यहाँ पे हम अपना कुछ सेल्फी ले लेते हैं ताकि मेले का कुछ यादें बनी रहे। चलिए आप, हम आपको नज़दीक से झूले का दृश्य दिखाते हैं। आगे आप लोगों को इसी रास्ते से वापसी होगी और पूरी की पूरी मेले का मज़ा हम आप लोगों को घर बैठे ही दिखाएंगे। यदि आप मेले में आए हैं तो हमारे वीडियो में ज़रूर आए होंगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और झूले का भी मज़ा लीजिए कहीं आए हैं तो। जब भी मेला आना होता है तो झूले का मज़ा बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे तो झूले से डर लगता है, मैं तो कभी झूले में बैठा ही नहीं। मेरा एक साथी जो है, शिक्षक साथी जो है, मेले में अपनी पूरी फैमिली के साथ जलेबी खा के आनंद ले रहा है। मेले का पूरा आनंद हमारे सर जी ने ही उठाया है। आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी होटल लगी हुई है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से पूरा दृश्य दिख रहा है मेले में कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे कुछ गर्मा गर्म बन रहा है, देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ बड़ा बन रहा है, खाने की इच्छा तो है लेकिन अभी हम नहीं खा पाएंगे। आगे चलते हैं हमारे वीडियो में मेले की ओर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो